गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज सभी का पीडीएस ऑनलाइन क्लासेस में आप फिर से स्वागत है। कक्षा 9 में हम लोग पढ़ रहे थे द लास्ट चाइल्ड। चलिए पिछले वीडियो में जितना हो गया था उसके आगे देखते हैं। ए फ्लावर सेलर हार्ट, ए फ्लावर सेलर, एक फूल विक्रेता हार्ट आवाज लगा रहा था। ए गारलैंड ऑफ गुलमोहर, ए गारलैंड माने एक माला गुलमोहर, गुलमोहर की आवाज लगा रहा था, गुलमोहर की माला, गुलमोहर की माला। द चाइल्ड सीम इरेस्टिबली ड्रॉन, द चाइल्ड बच्चा सीम प्रतीत हुआ इरेस्टिबली ड्रॉन माने उसकी प्रति आकर्षित, बच्चा उसकी तरफ आकर्षित प्रतीत हुआ। ही वेंट टूवर्ड द बास्केट, ही वेंट वह गया टूवर्ड तरफ द बास्केट माने टोकरी की, वह टोकरी की तरफ गया। वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड, वेयर जहाँ पर फ्लावर फूल ले हीप्ड ढेर में पड़े हुए थे, जहाँ पर फूल ढेर में पड़े हुए थे। एंड हाफ मर्मर्ड और उसने आधी इच्छा जताई, हाफ मर्मर और वह आधे मन से बुदबुदाया, छोटा बच्चा आधे मन से बुदबुदाया या आधी इच्छा जताई। आई वॉन्ट दैट गारलैंड, आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ दैट गारलैंड वह माला, मैं वह माला चाहता हूँ। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स, बट ही वेल लेकिन वह अच्छी तरह से न्यू माने जानता था, हिज पेरेंट्स उसके माता पिता, लेकिन वह अच्छी तरह से जानता था उसके माता पिता वुड रिफ्यूज टू बाई हिम, वुड रिफ्यूज मना कर देंगे टू बाई हिम उसे या खरीदने से, क्यों, लेकिन वह अच्छी तरह से जानता था उसके माता पिता उसे या खरीदने से मना कर देंगे। बिकॉज क्योंकि दे वुड से वे कहेंगे दैट कि दे वेयर चीप, वे बहुत सस्ते हैं, क्योंकि वो कहेंगे कि वे बहुत सस्ते हैं। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव ऑन, सो इसलिए विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए हुए ही मूव ऑन वह आगे चल पड़ा। अगले पैराग्राफ में ए मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विथ येलो रेड ग्रीन एंड पर्पल बलून फ्लाइंग फ्रॉम इन इट, ए मैन एक व्यक्ति स्टूड होल्डिंग खड़ा था, होल्डिंग माने पकड़ कर, एक पोल माने बांस खंभे को विथ येलो, एक बांस को एक डंडे को पकड़ कर खड़ा था जिस पर येलो पीले रेड माने लाल ग्रीन माने हरे एंड पर्पल माने बैगनी बलून्स गुब्बारे फ्लाइंग फ्रॉम इट, जिस पर इस रंग के गुब्बारे उड़ रहे थे। अगले पैराग्राफ उसने देखा एक व्यक्ति एक डंडे को पकड़कर खड़ा था जिस पर पीले लाल हरे बैगनी गुब्बारे उड़ रहे थे। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरीड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स, द चाइल्ड बच्चा वॉज सिंपली कैरीड बड़े आसानी से कैरीड उधर चलता चला गया बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन उन इंद्रधनुषी ग्लोरी माना था वैभव, वह उन इंद्रधनुषी वैभव रंगों की ओर आकर्षित होता चला गया। एंड ही वाज फिल्ड विद एन ओवर हीडिंग डिजायर टू पोसेस देम ऑल, एंड ही वाज फिल्ड और वह भर गया विद एन ओवर हीडिंग एक तीव्र इच्छा से कि डिजायर टू पोसेस देम ऑल कि वह उन सभी को प्राप्त कर ले, और वह एक ऐसी इच्छा से भर गया कि वह उन सभी को प्राप्त कर ले। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाई हिम द बैलून्स, बट ही न्यू लेकिन वह जानता था कि उसके माता पिता उसे गुब्बारे कभी नहीं खरीदेंगे, लेकिन वह जानता था कि उसके माता पिता उसे गुब्बारे कभी नहीं खरीदेंगे। बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज, क्योंकि वे कहेंगे कि तुम टू ओल्ड बहुत बड़े हो चुके हो टू प्ले विद सच टॉयज इन प्रकार के खिलौनों से खेलने के लिए, क्योंकि वे कहेंगे कि तुम इस प्रकार के खिलौनों से खेलने के लिए बहुत बड़े हो चुके हो। सो ही वॉक ऑन फर्दर और इसलिए वह आगे बढ़ चला। अगले पैराग्राफ में ए स्नैक चार्मर स्टूड प्लेइंग ए फ्लूट टू स्नैक, ए स्नैक चार्मर माने एक सपेरा स्टूड प्लेइंग खड़े होकर बजा रहा था ए फ्लूट माने बांसुरी, एक सपेरा एक बांसुरी बजा रहा था टू स्नैक एक सांप के सामने विच कोइल इटसेल्फ इन अ बास्केट, विच कोइल जो कुंडली मार कर बैठा था इन अ बास्केट माने एक टोकरी में, जो एक टोकरी में कुंडली मार कर बैठा था। इट्स हेड रेज इन अ ग्रेसफुल बेंड,
इट्स हेड, उसका सर रेज उठ रहा था, एक ग्रेसफुल, एक मनोहर, बेंड माना था झुकाव, आकर्षक, ग्रेसफुल माने मनोहर आकर्षक, उसका सर एक आकर्षक झुकाव में झुक रहा था, लाइक द नेक ऑफ ए स्वान, एक हंस के गर्दन की तरह, उस सांप की गर्दन एक आकर्षक झुकाव में झुक रही थी, एक जैसे कि एक हंस की गर्दन। While the music stole into its invisible ears, while जब music stole संगीत पहुंचा into उसके its invisible माने अदृश्य ears कान में, ठीक है, उस सांप के अदृश्य कान में जब संगीत जा रहा था, like the gentle rippling of an invisible waterfall, किसकी तरह, उसके अदृश्य कानों में झरने की हल्की लहर की तरह, ठीक है, वो संगीत उसके अदृश्य कानों में झरने की अदृश्य हल्की लहर की तरह जा रही थी। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड द स्नैक चार्मर, द चाइल्ड वेंट, बच्चा चला गया टूवर्ड तरफ द स्नैक चार्मर माने उस सपेरे की ओर, बच्चा उस सपेरे की ओर चला गया। बट नोविंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम, बट लेकिन जानता था हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता, हैड फॉरबिडन हिम, उसे मना कर देंगे टू हियर सच कोरस म्यूजिक, इस प्रकार के कोरस माने उबाऊ, लेकिन उसके माता पिता उसे इस प्रकार के उबाऊ या बेसुरा संगीत सुनने को मना कर देंगे। आए द स्नैक चार्मर प्लेड, सपेरा जो बजा रहा था, लेकिन यह जानते हुए कि उसके माता पिता उसे इस प्रकार का संगीत सुनने से मना कर देंगे जो सपेरा बजा रहा था। He proceeded further, वह आगे बढ़ चला, वह आगे बढ़ गया। अगले पैराग्राफ में There was a roundabout in full swing, अगले पैराग्राफ में देखता है There was a roundabout, एक झूला in full swing, पूरी रफ्तार में, पूरी गति में चल रहा, उसने देखा एक झूला पूरी गति में चल रहा था। मैन वुमेन एंड चिल्ड्रेन, महिला पुरुष और बच्चे, कैरीड अवे इन अ व्हर्लिंग मोशन, व्हर्लिंग मोशन कि उसमें गोल गोल घूम रहे थे, व्हर्लिंग मोशन गोल गोल गति में घूम रहे थे। उसने देखा बच्चे औरत पुरुष गोल गोल गति में घूम रहे थे। श्रिक्ड एंड कैरीड विद डिजी लाफ्टर, श्रिक्ड चीख रहे थे एंड क्राइड चिल्ला रहे थे विद डिजी लाफ्टर, चक्कर खाते हुए और हंसते हुए चक्कर खाते हुए चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। द चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली, द चाइल्ड, बच्चा वॉच देम, उन्हें देख रहा था, इंटेंटली माने उत्सुकतापूर्वक, बच्चा उन्हें उत्सुकतापूर्वक देख रहा था। एंड देन ही मेड अप बोल्ड रिक्वेस्ट, और तब उसने बोल्ड मतलब दृढ़, बोल्ड रिक्वेस्ट, और उसने दृढ़ प्रार्थना की, विनती किया, और उसने दृढ़ विनती किया, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, मैं उस झूले पर जाना चाहता हूँ। उसने अपने माता पिता से कहा मैं उस झूले पर जाना चाहता हूँ, प्लीज फादर मदर, पिताजी माताजी कृपया, कहता माताजी पिताजी कृपया मैं उस झूले पर जाना चाहता हूँ। देयर वॉज नो रिप्लाई, देयर वॉज नो रिप्लाई, कोई उत्तर नहीं आया। जब उसने कहा माता जी पिताजी मैं झूले पर जाना चाहता हूँ, देयर वॉज नो रिप्लाई, कोई उत्तर नहीं आया। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, ही टर्न टू लुक, वह मुड़ा टू लुक देखने के लिए एट हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता को, अपने माता पिता को देखने के लिए पीछे मुड़ा। दे वेयर नॉट देयर, वे वहाँ पर नहीं थे। दे वेयर नॉट देयर, वे वहाँ पर नहीं थे। अहेड ऑफ हिम माने उसके आगे, अहेड ऑफ हिम उसके आगे नहीं थे। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, ही टर्न टू लुक, वह मुड़ा ऑन आइदर साइड माने दूसरी तरफ, टू लुक उन्हें देखने के लिए, वह उन्हें देखने के लिए दूसरी तरफ मुड़ा। दे वेयर नॉट देयर, वे वहाँ भी नहीं थे। ही लुक बिहाइंड, उसने पीछे देखा। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, देयर वॉज नो साइन, साइन मतलब संकेत, ऑफ देम, उनका कोई भी संकेत नहीं था। उसने पीछे देखा, उनका कोई भी संकेत नहीं था। तो प्यारे बच्चों, उसका साथ उसके माता पिता से छूट गया। अब आगे की कहानी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आप लोगों को जो कोई समस्या आई हो, जो चीज़ न समझ में आई हो, हमारे नंबर 88038 3848 01 पर व्हाट्सअप करके या कॉल करके आप लोग अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.